आप सभी के लिए एक नए नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पर काफी सारी ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, क्या सैलरी होगी ये भी इस नोटिफिकेशन में डिक्लेयर किया गया है। और ये जो संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसके थ्रू जितने भी बैंक के वैकेंसीज आती है वो तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर एक और वैकेंसी आई है। इसमें पोस्ट क्या क्या होंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले IBPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि आपने देखा होगा जब भी IBPS PO या IBPS क्लर्क की वैकेंसीज आती है तो आप इससे फैमिलियर होंगे IBPS से, ठीक है। पहली बार आपने नहीं सुना होगा अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो यहां पर IBPS ने कुछ और भी वैकेंसीज निकाली है। पोस्ट के नाम देख लेते हैं, प्रोफेसर असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिसर्च एसोसिएट हिंदी ऑफिसर डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स एनालिस्ट प्रोग्रामर्स और एनालिस्ट प्रोग्रामर ASP.NET और पाइथन, अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आगे सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन एक पॉइंट नोट करना कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगी वो मुंबई रहेगी, ठीक है। मुंबई में आपको पोस्टिंग मिलेगी, आप भारत के किसी भी कोने से फॉर्म भर रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो पोस्टिंग के लिए जाना होगा वो मुंबई ही जाना होगा। इसीलिए फॉर्म अगर भर रहे हैं तो सोच समझ के भरिएगा क्योंकि आपको मूव करना पड़ेगा। यहां पर अगर हम बात करें फॉर्म भरने के डेट की, तो फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 27 मार्च 2024 से, ठीक है। कब तक भरे जा रहे हैं वो बड़ी बात है, 12 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है वो यहां पर क्लियरली दी गई है, www.ibps.in, बहुत ही सिंपल वेबसाइट है याद करने में भी, ठीक है। यहां पर आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अप्रैल या मई में आपका होगा 2024 में, अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। सब्सिक्वेंट सिलेक्शन प्रोसेस, आइटम राइटिंग एक्सरसाइज, ग्रुप एक्सरसाइज, प्रेजेंटेशन, स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, वो भी अप्रैल मई में आपका हो जाएगा। जैसे मान लो अप्रैल में एग्जाम हुआ तो मई में ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। सबसे पहले रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट की बात करेंगे, इसके लिए आपकी एज लिमिट 23 साल से लेकर 30 साल के बीच में रखी गई, 23 इयर्स से 30 ईयर के बीच में एज लिमिट रखी गई है। और यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया। देखिए, ये जो वैकेंसी जितनी भी पोस्ट में आई है ना, सब ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, तो हो सकता है क्वालिफिकेशन जो है वो हाई फाई मांगा गया हो, क्योंकि ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो हाई फाई आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। 23 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए साइकोलॉजी एजुकेशन, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, साइकोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, इनमें से किसी में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आप ये फॉर्म पाएंगे। क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, प्रिफरेबली 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एकेडमिक रिसर्च या फिर टेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, हिंदी ऑफिसर के लिए एज लिमिट 23 से 30 साल सेम रखा गया है। इसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मास्टर डिग्री मांगा गया है। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स इन ए बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज डिजायरेबल, डिजायरेबल बोला गया है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे ट्रांसलेशन का, अगर आपने काम किया है कहीं पर किसी बैंक में या किसी कहीं पर भी किसी भी संस्था में, तो आप यहाँ पर आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी रिपोर्ट का या डॉक्यूमेंट के ट्रांसलेशन का काम अगर आपने किया है तो, ठीक है, लेकिन मास्टर डिग्री लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स या फिर चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है, दोनों के लिए ही है। यहाँ पर देखेंगे 23 से 30 साल के बीच में एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हाई फाई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, जो पर्सन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो फॉर्म भर सकता है। प्रिफरेबली 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपर्टीज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, ये एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन चीजों को हैंडल करने का, यानी कि कहीं पर आपने काम किया तो आपने वहां का फाइनेंस अकाउंट्स की सारी चीजें देखी है, हैंडल की है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एनालिस्ट प्रोग्रामर की बात करें तो यहां पर 23 से 30 साल के बीच में एज लिमिट है। फुल टाइम बीटेक का कोर्स अगर आपने किया है या फिर बी किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, बी कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर MCA किया है, या MSc IT से किया है, या MSc कंप्यूटर साइंस से किया है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफी सारे ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से एक भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया, यानी कि क्वालिफिकेशन के बाद कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास ये है तो।
एनालिस्ट प्रोग्रामर पाइथन के लिए 23 से 30 साल के बीच में एज लिमिट रखी गई है, वही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और वही सेम आपको देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस भी। ठीक है, अब ऊपर मैंने दो पोस्ट छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें बहुत ज्यादा हाई फाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हाई फाई एज लिमिट रखा गया, इसलिए इसको मैं लास्ट में डिस्कस कर रही हूँ। प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज लिमिट 47 ईयर और मैक्सिमम 55 ईयर, यानी ये स्टूडेंट्स जो आप जो स्टूडेंट्स है ना आपके लिए नहीं है। अगर इतनी एज किसी की है, उन्होंने सालों तक काम किया है, तो ही वो ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए 47 से 55 वर्ष के बीच में एज लिमिट रखी गई है। पीएचडी की डिग्री उनके पास होनी चाहिए या फिर पीएचडी लेवल की कोई डिग्री उनके पास होनी चाहिए और मिनिमम 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। ठीक है, हाई फाई क्वालिफिकेशन मांगा गया इसमें। अब बात करेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, तो 35 से 50 साल के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स या फिर मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन समेत ये सभी, इनमें से कोई भी एक अगर आपके क्वालिफिकेशन में आ रहा है, आपने इनमें से कोई भी एक डिग्री कर रखी है, तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर्स शुड बी एज हेड या फिर नेक्स्ट टू हेड ऑफ आईटी फंक्शन इन ए मिड साइज कॉर्पोरेट। ये दोनों मैंने इसीलिए लास्ट में डिस्कस किया क्योंकि मुझे पता था बहुत ज्यादा एज लिमिट भी एक्सीड कर जाएगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेते हैं, इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ये पॉइंट आप लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है, फिर मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। हिज और हर इंटीग्रिटी शुड नॉट हैव बीन डाउटफुल ड्यूरिंग हिज और हर सर्विस कैरियर, नो पनिशमेंट या फिर पेनल्टी शुड हैव बीन इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम और हर ड्यूरिंग हिज और हर सर्विस कैरियर, ये तो खैर ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए Institute of Banking Personnel Selection, ये सारे जो points है ना, ये आप एक बार notification को download करके खुद पढ़ सकते हैं, इसको यहाँ पर explain करने की जरूरत नहीं है। हम बात कर लेते हैं salary की। जब भी आपको ये exam देते हैं तो आपके मन में आता है कि salary कितनी होगी। ठीक है, form भर रहे हैं, इतने form की fees दे रहे हैं, तो salary कितनी होने वाली है joining के बाद। Basic pay आपका देखेंगे professor के लिए 1,59,100, ठीक है, 1.5 लाख के आसपास professor के लिए basic pay रहेगा। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 1,01,500 रुपए रहेगा। ठीक है, रिसर्च एसोसिएट, हिंदी ऑफिसर, डेप्यूटी मैनेजर, इन सभी के लिए 44,900 रुपीज, यानी कि 45,000 सैलरी बेसिक रहेगी। बाकी जो दो पोस्ट बची एनालिस्ट प्रोग्रामर की, उनके लिए 35,400 रुपए सैलरी रहेगी। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा क्वालिफिकेशन मांगा गया है उस हिसाब से सैलरी भी दी जा रही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या जरूरी है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अच्छा एग्जाम यहाँ पर किस हिसाब से होने वाला है, आपका जो सिलेक्शन होगा उसका प्रोसेस क्या होगा, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे क्योंकि 40-40 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेगा। 50-50 नंबर का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 200 क्वेश्चन 250 नंबर के, समय आपको टोटल 150 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि 35-35-35 15 और 30 मिनट में इसको डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट के हिसाब से। वर्जन इंग्लिश रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्जन जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, पेपर इंग्लिश में आएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कौन सी पोस्ट के लिए था, तो ये था आपका रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट के लिए, ठीक है, रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट के लिए था। हिंदी ऑफिसर की पोस्ट के लिए रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और हिंदी लैंग्वेज पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, 140 मिनट आपको दिए जाएंगे, 35-35, 20 और 50 मिनट में इसको डिवाइड किया गया है। इंग्लिश वर्जन में बाकी के पेपर आएंगे और हिंदी लैंग्वेज तो हिंदी में ही आएगा। ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर के लिए रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज, 50-50 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट के, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, यानी कि 50-25-50 और 75 नंबर का आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ड्यूरेशन आपको 155 मिनट का दिया जाएगा, वर्जन इसके पेपर का इंग्लिश ही रहेगा। अब एनालिस्ट प्रोग्रामर के पोस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज सिर्फ दो ही सब्जेक्ट रहेंगे, 50-50 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 90 मिनट का समय और इंग्लिश वर्जन में पेपर आएगा। ठीक है,
अब बात आती है गलत आंसर दे दिया तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो बिल्कुल होगी। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 देखने को मिलेगा यानी कि 0.25। अगर आपने एक भी आंसर गलत किया 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या जरूरी है। अच्छा, टेस्ट आपका होने के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो और भी आगे रहेगा, ठीक है। स्किल टेस्ट वगैरह भी आपका लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली be called for further process of selection to be conducted by IBPS. The said selection process will be conducted at Mumbai, जहां पर आपकी posting होने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो वहीं पे जाके आपको बाकी का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा कंप्लीट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका वहीं पर होगा, बाकी का सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम आपका अलग अलग सिटीज में करवाया जा रहा है, बाकी सब मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। अब आपने ये तो देख लिया था कि 27 तारीख से लेकर 12 अप्रैल तक यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में मैंने आपको बता दिया था पहले ही ये सारी चीजें। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, और वेबसाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्म के फीस की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्म के फीस की बात करें तो 1,000 रुपए फॉर्म की फीस लग रही है, 1,000 रुपए फॉर्म की फीस लग रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ ₹1,000 फॉर ईच कैंडिडेट, है ना। मोड ऑफ पेमेंट भी लिखा हुआ है, सिर्फ यहां पर आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट ही होगा, ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। जाहिर सी बात है फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा। अब बात आती है कि आपका कहां कहां पर सेंटर मिलेगा एग्जाम देने के लिए। अलग अलग राज्य से विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म भरेंगे, उनको चाहिए होगा कि मेरे आसपास ही सेंटर मिल जाए, लेकिन हर सिटी में सेंटर नहीं है। यहां पर आप सेंटर कोड के हिसाब से सिटी देखेंगे, हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना, मोहाली, रायपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, गांधीनगर, जम्मू, रांची, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मध्य प्रदेश के हैं तो भोपाल में, इंदौर में नहीं है सेंटर, ठीक है, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, ठीक है, इतने ही आपको सेंटर दिए गए हैं, यानी कि जो मेन मेन सिटीज है वहीं पर सेंटर है। बाकी सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12 अप्रैल से पहले ये फॉर्म भर दीजिएगा। तो किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।